देवघर एसपी ने गुप्त सूचना के आधार पर चेक पोस्ट के पास चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो जब्त किया है। तलाशी के दौरान स्कॉर्पियो में सवार लोगों के पास से करीब 600 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया है। साथ ही स्कॉर्पियो में सवार 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान 3 और लोगों का नाम सामने आया, जिसे छापेमारी कर पकड़ा गया है। पुलिस ने पकड़े गए युवक के पास से 650 पुड़िया ब्राउन शुगर, 1 स्कॉर्पियो और 5 मोबाइल बरामद किया है। पकड़े गए लोगों में जितेंद्र कुमार, सुनील कुमार राय, मुन्ना कुमार गुप्ता, अनिकेश कुमार राय, प्रियांशु कुमार सुमन, सुधांशु रंजन शामिल है। देवघर से अवनीश। देवघर पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग स्कॉर्पियो से ब्राउन शुगर की खेप चकाए बिहार से लेकर के देवघर में उसे बेचने के लिए आ रहे हैं। इस सूचना पर अंधरी गादर चौकी जसीदी के पास चेकिंग लगाई गई और छापामारी करके 1 स्कॉर्पियो और लगभग 600 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुआ। ये लोग 1 स्कॉर्पियो में आ रहे थे, जिसमें अंधेरी गादर के पास 3 लोग गिरफ्तार हुए और इनकी निशानदेही पे देवघर में विभिन्न जगहों पर छापामारी की गई, जिसमें और 3 ब्राउन शुगर के कारोबार में और उसको कंज्यूम करने वाले लोग गिरफ्तार हुए और उनके पास से भी कुछ ब्राउन शुगर का पुड़िया बरामद हुआ। कुल 650 ब्राउन शुगर पुड़िया बरामद हुआ है, जिसकी कीमत, बाजार कीमत लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।